पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पे जेश ज्योति उपते आदि सरगर्म पुलिस टीम बदौलत जिले मसलपुर दे खेतर दे भोजपुर जंगल दे विच वीरवार नु एक जोड़े नु गोली मार के कतल करन दी घटना दा सिर्फ 24 घंटियां दे अंदर पर्दाफाश हो गया। कातल कोई होर नहीं सगों उस लड़के दी मां मामा अते मामे दा नौकर ही निकलिया। ए कतल मृतक जोड़े दे नजायज संबंधा अते समाजिक ढांचे दे कारण अंजाम दिता गया। इस कतल केस दा खुलासा करदे हुए पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने दस्या कि बुधवार नु मसलपुर खेतर दे विच गड़ी भजना रोड ते पिंड भोजपुर तो करीब 1.5 to 2 kilometers दूर एक कार दे विचों एक नौजवान अते एक लड़की दीयां लाशां पईयां मिलियां ने, जिन्हां दी पहचान विकास अते दीक्षा दे वजो होई है। दोवें पति पत्नी सन जिन्हां दा कतल कर दिता गया ते किसे ने उन्हां नूं कार दे विच उत्थे बिठा के ते आप उत्थों भज गया। घटना दी गंभीरता नूं लैंदे होया ASP गुमना राम ने मौके ते पहुंच के घटना दी जानकारी ली अते करौली दे DSP अनुशुभव अते मसलपुर थाने दे अधिकारी नीरज कुमार शर्मा दी टीम बनाई गई। इस तो इलावा साइबर सेल दी टीम DST टीम दे इंचार्ज तारा सिंह कैला देवी थानेदार तारा चंद सोरठ थाने दे अधिकारी महेश कुमार दी अगवाई हेठ वक वक पुलिस टीमा बना के कतल दी गुत्थी नूं सुलझाउण दीआं हदायतां दित्तीआं गईआं। लिंक जोड़ के पुलिस ने 24 घंटिआं दे अंदर इस कतल के कांड दा पर्दाफाश कीता। इस कतल केस दे विच मां ललिता उर्फ लालो वासी संता पिंड आगरा, मामा रामबरन वासी इटकी, रामबरन दा नौकर चमन खान वासी इटकी शामिल सन। वक्-वक् थावां ते मृतक दे नजायज संबंधां तों परेशान सी अते मृतक दी मां अते मामे ने कतल करन दी साजिश रचन दी गल कबूली है, जदके मुलजम चमन खान ने पैसियां दे लालच दे विस विच इस कतल नूं अंजाम दित्ता है। ज्योति उपाध्याय ने दस्या है कि जदों मुलजमां दे कोलों पुछगिछ कीती गई तां सामने आया कि मृतक विकास दे किसी होर लड़की दे नाल प्रेम संबंध सन, जबकि मृतक दीक्षा देवी इसे पिंड दे एक लड़के दे नाल प्रेम संबंध सन, जिस संबंधी मृतक दी माता ललिता उर्फ लालो ने समाज दे विच अपने आप नूं बहुत ही उन्हें बेइज्जती महसूस कीती अते ओह उसका कहना सी कि ओह सिर उठा के समाज दे विच नहीं तोर सकती। उसने अपनी मृतक नूं नूं काफी वारी ताना भी मारिया ते अपने बेटे विकास नूं भी समझाउण दी कोशिश कीती, पर जदों ओह दोवें ना समझे तां उसने अपने भरा दे नाल मिल के इन्हां नूं मारन दा इन्हां दा कतल करन दी जिहड़ी योजना उन्हां ने बनाई। मृतक मामे ने रामबरन ने अपने जिहड़ा नौकर है चमन खान दे नाल मिल के उस नूं पैसा दा लालच दे के इह कतल करन दी सारी योजना बनाई। दस्या गया कि उन्हां ने विकास दे कतल करन दे लई उसदे मामे रामबरन ने एक सेंट्रो कार खरीदी अते कतल करन दे लई एक पिस्तौल भी खरीदिया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने दस्या कि योजना दे हिस्से दे वजो मामा रामबरन ने अपने भतीजे विकास अते उसदी पत्नी दीक्षा नूं मारन दे लई पिछले कई महीनियां तों उहने उहनां दी रेकी करनी जिहड़ी शुरू कर दित्ती सेंट्रो कार ते ਅਤੇ ਚਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਮਬਰ ਨੇ ਚਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰੋ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਨ ਖਾਨ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੈਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਰਾਮਬਰਨ ਨੇ ਕਸਬਾ ਮਸਲਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖੇੜਾ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 1000 rupees ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮਬਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਚਮਨ ਖਾਨ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਤਾਂ ਚਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੋਨਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਵਰਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮਵਰਨ ਤੇ ਚਮਨ ਖਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।